हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग के वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और शॉर्ट ट्रिक के साथ में देखेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप चाहते हैं लगातार आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे रीजनिंग, मैथ और जीके की, ऑनलाइन टेस्ट की, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी पूर्व पश्चिम जाने वाले एक सीधे मार्ग पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। भाई, एक जो मार्ग है पूर्व पश्चिम जाने वाला सीधा मार्ग है, उससे एक दूसरे पर 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं ए और बी। मान लीजिए एक ये मार्ग है, ये वाला, ठीक है, और ये दोनों इधर खड़े हैं बी और इधर खड़ा है ए, ठीक है। ये पूर्व से पश्चिम जाने वाला, और मतलब पूर्व पश्चिम जाने वाला एक मार्ग है सीधा, जिसपे ए और बी खड़े हैं। इनके बीच की जो लंबाई है ये 20 किलोमीटर है, ठीक है, जो यहाँ पे है ये 20 किलोमीटर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कल कि सर हमें लेफ्ट राइट मुड़ने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब दाएं बाएं बोला जाता है क्वेश्चन में तब कैसे मुड़ना है। तो आज एक ऐसी ट्रिक और ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि कभी नहीं भूलोगे। क्वेश्चन कुछ भी तरीके से आप गलत कर सकते हैं, बट लेफ्ट राइट मुड़ने में कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर बोला गया है 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं वे, वहाँ से पूर्व पश्चिम की ओर एक ही समय चलना शुरू करते हैं। वे एक ही समय से पूर्व और पश्चिम की ओर एक ही समय चलना शुरू करते हैं। तो यहाँ इनको चलना स्टार्ट करा देते हैं। अगर ये आपका चलेगा पूर्व की ओर तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा, और ये चलेगा पश्चिम की ओर तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। तो ये इनकी डायरेक्शन चलने की हो गई। एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे, उतने ही क्वेश्चन करते जाएंगे। नेक्स्ट बोला जा रहा है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात ए अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, जबकि बी 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। जब ये, यहाँ से देखिए दोबारा से पढ़ लीजिए, वह वहाँ से पूर्व पश्चिम की ओर एक ही समय चलना शुरू करते हैं 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद। ये तो अपने बाएं मुड़ जाता है, ए तो बाएं मुड़ जाता है और बी अपने दाएं मुड़ जाता है। तो जब ये बाएं और दाएं मुड़ेंगे, अब समझ लीजिए कैसे आपको ये चीज़ें करनी होती है। भाई यहाँ से उन्होंने चला 5 किलोमीटर, ये इस डायरेक्शन में चला और ये इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चला, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ए को ले लेते हैं। बोला ए अपने बाएं मुड़ जाता है, ठीक है, तो ए जो ए है उसका फेस किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। आप खुद को खड़ा करिए जल्दी से यहाँ पे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा दाएं कौन सा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी मेरा बाएं कौन सा हो जाएगा, बाएं मीन्स लेफ्ट, मेरा कौन सा हो जाएगा। ये बोला है कि ए अपने बाएं मुड़ जाता है, तो ए का बाएं कौन सा हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़े हैं तो आपका बाएं ये हो जाएगा। समझा आप इस चीज़ को, आप खुद को खड़ा करके देखिए यहाँ पे कि मैं खड़ा हो जाऊँ और मेरा मुंह इस डायरेक्शन में हो तो मेरा बाएं कौन सा होगा। तो बस ऐसे मान के करिए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बाएं मुड़ने के बाद में 10 किलोमीटर चला, तो हमने इसको यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर चला दिया। अब आती है बी की बारी। बी को बोला दाएं मुड़ा, दाएं मीन्स राइट साइड मुड़ा, तो ये जब इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा होगा, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपका दाएं कौन सा होगा, आपका राइट साइड कौन सा होगा, ऑब्वियसली बात है ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वाला राइट है, ये 10 किलोमीटर यहाँ तक चला, तो ये यहाँ पे पहुँच चुका होगा। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या बोली जा रही है। अब कभी गलती तो नहीं करेंगे ना, जहाँ पे भी मुड़ने की बात आए कि उसको लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है, बाएं मुड़ना है दाएं मुड़ना है, अपने आप को खड़ा कर दो वहाँ पे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा राइट कौन सा होगा, बस फेस देखिए किस डायरेक्शन में मेरा फेस है, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है 10 किलोमीटर की गति से चलता है, सॉरी 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर की गति से चलता है, जिस गति से ए चलता है उसी उसके पश्चात दोनों अपने बाईं ओर मुड़ जाते हैं। देखिए दोनों जब बाईं ओर मुड़ जाएंगे वो तो ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है तथा समान गति से 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दोनों बाईं ओर मुड़ने के बाद में 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उनके बीच में अब कितनी दूरी है। तो यहाँ पे देखिए जब दोनों बाईं ओर मुड़ जाएंगे, अब दोनों का फेस किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो दोनों का बाईं साइड कौन सा हो जाएगा। अगर आप ऐसे जैसे आप बैठे हो अभी, आप वीडियो देख रहे हो ना, आप वीडियो देख रहे हो तो आपका बाईं साइड कौन सा होगा, आपका लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ये वाली साइड होगी। तो ये इस साइड में मुड़ जाएंगे दोनों के दोनों,
ठीक है, जब इस डायरेक्शन में फेस होगा तो बाई साइड ये हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में मुड़ने के बाद में चलते हैं 5 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 किलोमीटर मूव कर चुके हैं। अब पूछा है इनके बीच में अब दूरी कितनी है, अब मुझे ये बताइए टोटल दूरी इनके बीच में कितनी थी 20 किलोमीटर की, अब 5 ये इधर से कवर करके आए, 5 ये इधर से कवर करके आए, अब कितनी बच गई यहाँ पे 10 किलोमीटर की, अब यहाँ से यहाँ तक गए ये भी 10 10 किलोमीटर थी, अभी तक भी 10 किलोमीटर थी, यहाँ पे भी 10 किलोमीटर थी, अब बोला 5 ये इस डायरेक्शन में गया तो 5 ये इस डायरेक्शन में चला गया, तो अभी भी इनके बीच में दूरी 10 किलोमीटर ही है। ठीक है, क्योंकि जितना ये मूव किया इतना ही इधर से मूव कर गया, तो जो दूरी थी इनकी 10 किलोमीटर की वो कम या ज़्यादा नहीं हुई है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखते हैं कितने बच्चे उसको कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर कर पाते हैं। अगर आप इसका राइट आंसर कर लेते हैं तो मुझे लगेगा कि आपकी रीजनिंग पे जो है पकड़ बहुत अच्छी है और आप 100% करेक्ट कर आएंगे रीजनिंग को, तो मतलब अगर इस क्वेश्चन को आप इजीली कर लेते हैं। प्रश्न चिन्ह के जगह संख्या ज्ञात करो, यहाँ पे बताना है आपको क्या आएगा, तो बहुत आराम से आप ट्राई करिए, क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं आपको पॉज करने का समय तो नहीं दूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, जिन बच्चों को देखना है ट्राई करना है कर लीजिएगा, तो मैं इसको बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए यहाँ पे जो बाहर वाली संख्या है, मैंने आपको बताया बाहर वाली संख्या का रिलेशन बन के अंदर वाला ये बन रहा होगा, बट बाहर वाली संख्या क्या है बड़ी है और अंदर वाली छोटी है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे क्या है इनका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 6×36, ये 6 का स्क्वायर है, ये किसका है 8 का स्क्वायर है, ठीक है, ये किसका है ये 5 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। अब आपने क्या करना है, ये जिस जिसका स्क्वायर इनको सभी को प्लस कर लीजिए, ठीक है, क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, तो इन सभी को प्लस करेंगे कितना आएगा, देखिए देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ ताकि बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब इन सभी को प्लस कर लिया गया है, जो बाहर वाले आए ना स्क्वायर आए हैं, अब स्क्वायर को तो हटा दीजिए, हमें स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, इन नंबर को प्लस कर लीजिए 8675, इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 26। अब 26 को कैसे लिखा गया है 2+6 करके, तो 8 आपका अंदर लिख दिया गया है, तो है ना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए इसको भी देखते हैं, अब जैसे 100 लिखा है, 10 का स्क्वायर होता है ये 16 लिखा है, 4 का स्क्वायर होता है 81 लिखा है, तो आपका 9 का स्क्वायर होता है, और ये 25 है तो 5 का स्क्वायर होता है। चलिए एक करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो 16 लिखा है ना, जो बच्चे ट्राई कर रहे होंगे उनको शायद प्रॉब्लम हो जाएगी, तो भैया ये 16 कर लीजिएगा, यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप कितना हो गया, इन सभी को प्लस करिए, 9+10+4+5 तो कितना होगा 28, 28 को आप कैसे करेंगे 2+8, तो आपका 10 यहाँ पे बीच में आ गया। वैसे ही आप कर रहे हैं इस वाले को, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 7 का स्क्वायर और यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर, इन सभी को प्लस किया 24 आ गया, 24 को हम लिखेंगे 2+6, तो 2+6 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब आपको करना है ये वाला, तो इसमें 7 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 11 का स्क्वायर, तो इन सभी को प्लस कर लीजिए, प्लस करने के बाद में आपको कितना मिल रहा है 33, 11+7+6+9 तो 33, 33 को कैसे लिखेंगे 3+6, तो 3+6 मीन्स आपका हो जाएगा ये, सॉरी यार 3+6 नहीं होगा, 3+3 होगा, तो 6 इज द राइट आंसर, ठीक है, तो ये 3+3 होगा ना, तो 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये बताइए इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, समझ में आ गया है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप इजली करके आ जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिलोगिज्म से देख लेते हैं, इसमें बोला जा रहा है कथन निष्कर्ष का, सभी डेस्क मेज हैं, सभी मेज कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां सोफे हैं, तो सभी डेस्क मेज हैं, तो आपको क्या करना है, देखिए भाई सभी डेस्क जो है वो मेज है, तो इस तरीके से मेज वाला जो वेन डायग्राम है इसको डेस्क वाले को कवर कर लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है सभी मेज कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां, सभी डेस्क मेज हैं और सभी मेज कुर्सियां हैं, तो सभी की सभी मेज आपकी कुर्सियां हो जाएंगी, यानी कि आपका मेज वाला दूसरा डायग्राम था ये आपका कुर्सियों का हो जाएगा, तो सभी की सभी मेज आपकी कुर्सियां भी हो गई हैं, इस तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या लिखा गया, कुछ कुर्सियां सोफे हैं, तो कुछ कुर्सियां सोफे कैसे होंगे भाई, आपको पता है ना कुछ वाली कंडीशन को हम कैसे करते हैं सम वाली कंडीशन को, तो ये कुर्सी लास्ट वाला वेन डायग्राम है आपका, इसमें हल्का सा कट लगाएंगे तो कुछ कुर्सियां सोफे हो जाएंगे इस तरीके से, तो आपका वेन डायग्राम तो बनके तैयार है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं, क्वेश्चन पहले वाला कुछ सोफे डेस्क हैं,
कुछ सोफे डेस्क हैं। अब मुझे बताइए, सोफे और डेस्क के बीच में कोई रिलेशन बताया गया है? तो नहीं बताया गया, तो आपके ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो आपका रोंग हो जाएगा भाई, पहले वाला गलत हो जाएगा। दूसरे वाला, कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, तो कुर्सियां और डेस्क के बीच में रिलेशन है? तो देखिए, डेस्क वाला वेन डायग्राम ये है और कुर्सी वाला ये है, सॉरी कुर्सी वाला लास्ट वाला है, बट कुर्सी वाला कवर कर रहा है मेज को और मेज कवर कर रही है डेस्क को, तो ये कुछ कुर्सियाँ डेस्क हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि डेस्क इसके अंदर है। ठीक है, और फिर इसके अंदर कौन है? मेज है, और सबसे बाहर वाला कुर्सी है, तो कुर्सी का रिलेशन डेस्क के साथ में भी होगा, मेज के साथ में भी होगा। ठीक है, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि कुछ मेज डेस्क हैं, कुछ मेज डेस्क हैं, तो मेज वाला कौन सा है भाई? ये वाला है मेज, और ये हो गया आपका, हो गया अंदर वाला डेस्क, तो यानी कि इनके बीच में तो रिलेशन है ही कंप्लीट, तो ये कुछ वाली कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेंगे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिसके बीच में कोई भी रिलेशन है तो वो सम वाली कंडीशन को, कुछ वाली कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड इज द राइट आंसर, यानी कि आपका हो जाएगा, सॉरी सेकंड और थर्ड इज द राइट आंसर, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें तथा दाएं से 10वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं? देखिए, दोनों बार दाएं बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया दाएं से 20वें तथा दाएं से 10वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं? तो आपको क्या करना है यहाँ पे, देखिए, तो सबसे पहले तो देख लिए, दाएं ये वाली साइड होती है, तो दाएं से 20वां अक्षर जी है और दाएं से 10वां अक्षर क्यू है, तो इनके बीच में देख लीजिए आपके 9 अक्षर बैठते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते थे कि 20 में से -10 -1 आप कर सकते थे, तब भी आपका राइट आंसर 9 आता। ठीक है भाई, तो किसी भी तरीके से कर लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका आज की वीडियो का, इसमें बोला जाए किसी कोड भाषा में इस कोड के अर्थ है सी इज ब्रेव, और इस कोड का अर्थ है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, और इस कोड का अर्थ है सी सॉरी इज ऑलवेज चेयरफुल स्माइलिंग, और यहाँ पे लास्ट वाले इस कोड का मतलब है इज ऑलवेज चेयरफुल स्माइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, कोडिंग वाले को जो बोला गया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये बोला गया है कि इसका मतलब ये है तो लिख लेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इसका मतलब ये है तो ये लिख लेंगे, इसका मतलब ये है तो ये लिख लेंगे। तो ये लिखने के बाद में क्या करेंगे, देखिए ये हमने लिख लिया यहाँ पे सब कुछ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये देख लेते हैं किसका कोड पूछा गया है। फिर यहाँ पे बोला है शब्द के लिए इज ऑलवेज चेयरफुल स्माइल शब्द के किस कोड का प्रयोग किया गया है, सॉरी यहाँ पे स्माइल के लिए पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे ये है तो स्माइल शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे है कि सन आर ई निक, तो इनके लिए क्या है सी इज ब्रेव, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए सन किसी और दूसरी लाइन में भी है क्या? नहीं है, तो छोड़ दीजिए यहीं पे इसको, बिल्कुल वैसे ही जैसे था। दूसरे वाला आर ई, आर ई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपको क्या करना है, इस आर ई को गोल कर दीजिए तीनों लाइन में। अब आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है इन तीनों लाइन में कॉमन होना चाहिए, इज इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आर ई के लिए इज कोड हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आर ई हमारा हो गया। एन आई के, तो नाइक के लिए क्या होगा, देखिए ये यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सी इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, बट लास्ट वाले में सी नहीं है, तो इसका मतलब इसके लिए सी कोड हो जाएगा। तो अब आपका क्या हो गया, नेक्स्ट वाले में देखते हैं, ये हो गया हमारा दूसरे वाली लाइन पी आई, पी आई किसी दूसरे में है, किसी दूसरे में नहीं है, तो छोड़ दीजिए। एस ओ आर किसी दूसरे में है, इसमें है और इसमें है, इन दोनों में कॉमन ढूंढिए क्या है, ऑलवेज, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ऑलवेज के लिए ये हो गया। आर ई हमारा हो चुका है, एन आई के हमारा हो चुका है, तो इसका मतलब इसमें क्या बचा, स्माइलिंग बचा, और इधर बचा पी आई, तो पी आई के लिए कोड स्माइलिंग हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सॉरी पी आई किसके लिए कोड हो जाएगा, स्माइलिंग के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी आई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे से क्वेश्चंस के साथ में, जो भी आपके डाउट्स हैं सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।
और अगर आप तक अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा ज्वाइन करके, डेली वहाँ पे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहा करें, वीडियो को पसंद आए तो बिल्कुल शेयर कर दिया करें, और ना पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि ये चीज़ चेंज करिए, मैं उसको चेंज करूँगा। ठीक है, धीरे धीरे इसी तरीके से इंप्रूव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।